दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज छुट्टी है तो जब से पापा आए हैं हम लोग कहीं घूमने नहीं गए हैं, इसलिए आज हमने प्लान किया एक जगह जाने का। इससे पहले मैंने कभी उनके साथ फ़ोटो डाली होगी तो आपने देखा होगा, वो हमारे कॉलेज में आए थे, उनका एक प्रोग्राम था, ऐसे ही कुछ उनका लेक्चर था। तो हम आज जा रहे हैं उनके सेंटर पे, क्योंकि उनसे रियली मैं बहुत इंस्पायर हुई थी और मैं एक्चुअली उनका लाइफ स्टाइल देखना चाहती हूँ। उनके घर पे बहुत सारे पेट्स हैं, काउज हैं, डॉग्स हैं, पूरा सोलर सिस्टम, सोलर पैनल वाला उन्होंने कुछ सब कुकर्स एंड ऑल सब लगाया हुआ है। तो आज हम जा रहे हैं वहाँ पर, आउटिंग भी हो जाएगी और मनु को कुछ सीखने के लिए मिलेगा और पापा भी एक्चुअली इसके लिए बहुत एक्साइटेड है। घर के पड़ोस में उज्जैन भी है, थोड़ी दूरी है। इतनी बार मैंने उनको बोला उज्जैन चलने के लिए लेकिन उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ वाली चीज़ पे ना उन्होंने खुद मुझसे बोला कि वहाँ कब चलेंगे। तो अभी बस हम वहाँ जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलें। कम गर्मी बहुत ज़्यादा है। इंदौर की सबसे अच्छी बात ये है कि आप यहाँ सिटी से 20-25 किलोमीटर दूर निकलो और 20-25 किलोमीटर दूर निकल के ना आपको पहाड़, घाट, ऐसी चीज़ें दिखने लगेंगी, झरने, मतलब बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हिल स्टेशन साइड आ गए हैं। मौसम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, गर्मी बराबर है लेकिन सीन्स अच्छे हो जाते हैं। बस ये मेरा ब्लॉगर बेटा है, आ जाओ। आइए नमस्ते, अच्छा बैठिए बैठिए। ये जनक दीदी आपसे मिलके वहाँ पे इतना अच्छा लगा था कि उसी दिन डिसाइड कर लिया था। कहाँ मिलकर? ओरिएंटल में आप आए थे ना? हाँ, अच्छा आपने बोला था मैं। हाँ जी हाँ जी, जिन्होंने एंकरिंग की थी मैं वो हूँ, तब मैंने साड़ी पहनी हुई थी। डॉक्टर जनक पलटा मगिलिगन उनका पूरा नाम है और लोगों के बीच उन्हें जनक दीदी के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2015 में उन्हें सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया। इनके घर पर सोलर प्लांट और विंड मिल लगा हुआ है जिससे 2 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी सनावदिया गांव के लगभग 50 फैमिलीज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूज की जा रही है। छिलके क्यों हैं? इसके छिलके हम सुखा के पाउडर बना के रख लेते हैं। और ये सोलर पैनल है, सोलर बनाना पड़े उसके काम है। हाँ ये तो हो गया, हम चलना साफ करा ना उसमें से निकाल। और ये सोलर कुकर तो आपने देखा होगा ना, ये चावलों का होगा। हाँ चावल, दाल, बाटी, ऊपर ढकने का। हाँ ढक्कन भी लगता है, जैसे अपना रोटी का टिफिन होता है ना वैसा। इसको ऐसे घुमाने की जरूरत होती है, ये सेटिंग देखने का है, ये नट बोल्ट है ना, इधर इधर इधर। हाँ इसका ये शेडो दिख रहा है ना अभी। अच्छा। इधर दिख रहा है। अच्छा ये दिखना नहीं चाहिए ये। ओके ये ऐसे कर लेते तो पूरी सेटिंग मिल जाए, मैक्सिमम धूप आएगी। ये हाँ। नहीं दिख रहा है। हाँ। मतलब इसको पूरा ऐसे आना चाहिए, परपेंडिकुलर धूप आनी चाहिए, उसके हिसाब से सेट कर दिया। आप यहाँ रख सकते हैं, बहुत गर्म है।
अंदर भी बहुत सारे सोलर पैनल हैं छोटे छोटे, ये जहाँ पे भी बनते हैं ना वहाँ से दीदी को गिफ्ट में मिले हुए हैं। अच्छा, सारी चीजें इसके अंदर दाल है। चेयर से नीचे ही नहीं आ रहा। चेयर क्यों पचड़ा है? मम्मा तू इस वाली चेयर पे बैठी हो? नहीं बैठो। इंदौर में बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान स्थापित करने में जनक दीदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहां 26 वर्ष की सेवा के दौरान 6000 से ज्यादा आदिवासी और ग्रामीण महिलाओं को प्रेरित करके इन्होंने उन्हें सबल बनाया है। इतना ही नहीं, जनक दीदी ने नारू से प्रभावित झाबुआ जिले के 302 गाँव से नारू के सफल उन्मूलन में अपना योगदान दिया। ईयर 1987-88 में उन गाँव में 302 डेज रहकर स्थानीय लोगों को इस रोग से मुक्त होने का प्रशिक्षण भी दिया। इसी के परिणाम स्वरूप 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन के दौरान बर्ली संस्थान को ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। अगर मैडम हमारे कॉलेज में ना आती तो मुझे पता ना चलता और फिर मैं भी यहाँ ना आ पाती। तो ये हैं पद्मश्री विजेता जनक पलटा मैग गिलिगन। साइकिलिंग हो रही है। इस 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में साइकिल चला रहे जाओ। मम्मा ये देखो नीचे 80 किलोमीटर पर आवर है। कौन 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलाएगा? ना ना ना, डोंट एक्सपेक्ट। सूरत कुकर है बड़ा वाला, तो उन्होंने ये आग लगा के हमको दिखाई थी। अब हम एक न्यूज़पेपर लेते हैं अंदर से पहले। ये जलाते हैं, चलो कैमरे में ये देखना। सी द मैजिक। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको डायरेक्शन सेट करनी पड़ेगी भाई। वो 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 अब कैसे चलेगा ये? अब तो चलेगा ही नहीं। ये तो नंदा आंटी को ही करवाना पड़ेगा। नंदा आंटी को बुलाए क्या? हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पे नहीं हो रहा, गर्म ही नहीं हो रहा अभी तो। मैं गर्म टेचर हूँ, कुछ नहीं हो रहा। हाँ तो वो हो ही नहीं रहा। ए वे भाई, हम मॉन्स्टर हो गए। सबसे अच्छा वो डॉगी।
सबसे अच्छा लगा हमें टोकी। नहीं, पूरा सिस्टम बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो इतना नॉर्मल होके मिलती हैं। ऐसा लगता नहीं है कि शी इज सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी, तो कोई एटीट्यूड वेटीट्यूड, वैसे जिसमें एटीट्यूड होता है वो तो ग्रेट पर्सनैलिटी बनता ही नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाता, तो वो ऐसी है इसीलिए वो ऐसी है। मज़ा आया। वो ऐसी है इसलिए ऐसी है, सीधा सीधा बोलो ना कि वो बहुत अच्छी है। हाँ ओके। एमरल्ड सिटी का गेट है ना रास्ते में जो पड़ेगा अपने घर के, वहाँ पे, वहाँ पे बहुत सही। पापा पिलाएंगे क्या? आज पापा जी का खौफ ये था कि घर से सब्जी रोटी खा के निकले, हम सुबह बना के खा के निकले और अब रास्ते में बादाम शेक पिलाने की कह रहे हैं। वो भी नहीं पिला रहे पिताजी, पिला दो। अरे नानू बहुत ठीक, छोड़ो वर्ल्ड क्लास है। और क्या वैन खड़ी ना है हमारी, तो जहाँ पे हमने खाने का डिसाइड किया था वो इवनिंग में आता है, तो मनु का सपना टूट गया और हमको खाना नहीं मिला। मैं जाके मैंगो शेक बनाऊंगी। हाँ मम्मा, आम्रपाली खुला है। आम्रपाली तो नानू ने लेके जाएंगे। नानू आम्रपाली चले नानू, प्लीज नानू। मैं छोटा सा बच्चा, मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं भी अल्लाह चाहता। मेरा नाना उड़ लिए। अरे वाह क्या उड़े हो, देखो उड़ते हुए कैसे लग रहे हो। अरे मेरा बच्चा कितनी जोर से उड़ा, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट सब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन जो भी होता है वो सब ऑन ऑफ जो भी करना होता है ना वो कर लीजिएगा। फिलहाल आज के लिए बाय और अपना बहुत ख्याल रखना।